नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता वाद। साथियों, हमारे समाज में कई तरह की वाक्या प्रचलन में हैं, कई तरह की कहावतें प्रचलन में हैं। जैसे शुद्ध देहात भाषा में एक काफी प्रचलन में है, हींग कर पीछे खिसकना या थूक कर चाटना। इन कहावतों को सुनकर कई बार सोचता हूँ मैं कि आखिर इन कहावतों का निर्माण पुराने समय में क्यों हुआ। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ साथियों, पहले आप ये वीडियो देखें जो बाबा रामदेव ने करीब 2014 से पहले क्या कहा महंगाई के बारे में और पेट्रोल डीजल की कीमत के बारे में। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते, हमारे रजत जी को आपके अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा, अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप अरे ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा है। तो सुना साथियों, आपने इंडिया टीवी में दिए इस इंटरव्यू में आपकी अदालत में बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि देश के युवाओं को 75-80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चाहिए या 30-35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चाहिए। सिलेंडर जो आपको 400 रुपए में मिल रहा है और बिना सब्सिडी का 1200 रुपए में मिल रहा है, वो आपको 300 रुपए तक का चाहिए या 400 या 1200 रुपए का चाहिए? तो साथियों, आपको बता दूं, कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए मैं बाबा रामदेव की इन बातों से सहमत हूं। भला कौन नहीं चाहेगा कि हमें कोई भी चीज़ सस्ते में मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए और एक गरीब और आम नागरिक को कोई भी वस्तु आसानी से मिल सके। लेकिन साथियों सावधान, अगर बाबा रामदेव की बातों में आकर आपने उस समय यानी कि 2014 में बीजेपी के लिए वोट किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बाबा रामदेव का एक और वीडियो, ये हाल का वीडियो, इसे सुनिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि से जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। शांति, जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। सुना साथियों, इस वीडियो में बाबा रामदेव से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि बाबा रामदेव जी, आप कह रहे थे कि 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, सवाल करते ही बाबा रामदेव में क्रोध उत्पन्न हो गया और इसके जवाब में पत्रकार से कहा कि अगर मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा तो तुम क्या मेरी पूंछ उखाड़ लोगे? तुम होते कौन हो? क्या ठेका ले रखा है मैंने आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए? तो साथियों, मैं बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूँ, क्या केवल आपने ठेका बीजेपी से ही ले रखा है देश में प्रोपेगेंडा चलाने का? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनाव के समय पर महंगाई पर बात करना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि न तो बढ़ी हुई महंगाई को इतनी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और न ही उसे कम किया जा सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा ये चुनावी प्रोपेगेंडा होता है जो बीजेपी द्वारा विभिन्न माध्यमों से रचा जाता है। बीजेपी के लगभग हर पार्टी आज तक के भारतीय इतिहास में जो चुनाव लड़े गए हैं वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़े गए हैं, महंगाई, गली मोहल्लों की साफ सफाई, गली में लाइट, सड़कें,
साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथियों चुनाव के टाइम पे मुद्दा भागीदारी का होना चाहिए, मुद्दा प्रतिनिधित्व का होना चाहिए, मुद्दा सम्मान और स्वाभिमान का होना चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा उचित मूल्य का होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल 35-40 रुपये में नहीं मिल सकता, चलो हम मानते हैं नहीं मिल सकता, लेकिन किसान का अनाज भी आपको 18-20 रुपये नहीं मिलना चाहिए। किसान का दूध जो किसान से 28 से लेकर मात्र 32 रुपये प्रति लीटर तक किसानों से खरीदा जाता है, वो भी दूध आपको इतनी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए। जब चारों तरफ हर चीज़ पर महंगाई है, तो एक मजदूर और किसान जिस प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं केवल उन्हीं की कीमतों को कम क्यों रखा जा रहा है देश में। साथियों केवल इतना ही नहीं, जो किसान का दूध है उसकी कीमत आपको पता है, जो बाज़ार में आपको पानी की बोतल मिलती है, पैकेट जो पानी की बोतल मिलती है, उससे भी सस्ता किसानों का दूध जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में और गाय का दूध, जिसे आप सिटी में कहते हो कि बहुत महंगा बेचता है, गाय का दूध सबसे सस्ता है, यानी 15-20 रुपये प्रति लीटर तक खरीदा जाता है किसान से दूध, और आपके दूध और व्यापारियों के पानी की कीमत कितनी है, 20 रुपये की बोतल आती है एक लीटर की। तो सोचिए देश कैसे उन्नति करेगा, सोचिए हमारे समाज में किस किस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, भला ऐसा कोई होगा जो कर्म करेगा उसका फल नहीं चाहिए? ये बात तमाम कथावाचक अपनी कथाओं में कहते हैं और कहते हैं कि ये भागवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप तो कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। तो मैं उन कथावाचकों से, उन ब्राह्मणों से, उन पंडितों से कहना चाहूँगा कि आप जो कथा करते हैं उसकी कीमत मत लिया करो, आप तो कर्म करते चलो समाज के लिए, समाज को जागरूक करने का आप जो नाम लेते हो तो जागरूक करो। आप कथा के 51,000, 1,00,000, 5-5 लाख रुपये राशि क्यों वसूलते हो? देश में चुनाव के वक्त किस प्रकार के षड्यंत्र हमारे बीच में फैलाए जाते हैं, किस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है, इस बात को हमें गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और इन रामदेव जैसे ठगियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम रामदेव अभी तैयार होंगे और न जाने कितने हो गए होंगे, इनकी बातों से, इनकी गुमराह करने वाली बातों से हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। तो साथियों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़, नमस्कार।